बेइज्जती के बदले अच्छे से बेइज्जत करेगी जनक अनिरुद्ध को। हाय एवरीवन, मैं हूँ अभिलाषा। दोस्तों, जनक सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जब जनक के हाथ से खाने का प्लेट अनिरुद्ध के शर्ट पर गिर जाता है, तब वो जनक को खूब डांटता है और सबके सामने बेइज्जत करता है। तो आदित्य कपूर कहता है कि ये गलती से हुआ है, आपको इतना ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। जब आदित्य कपूर बोलता है तो अनिरुद्ध और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि गलती से कैसे हो गया, हिम्मत कैसे हुई, और वो इस तरीके की बात करता है। तो आदित्य कपूर कहता है कि मिस्टर बोस, आप भूल रहे हैं कि जनक आपकी दोस्त रही है। इस पर अर्शिक कहती है कि कोई दोस्त नहीं रही है, बल्कि ये हमारे घर में एक शेल्टर दिया गया था, अनिरुद्ध ने इसकी मदद की थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इस पर अनिरुद्ध खूब एटीट्यूड के साथ कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा अर्शी ने, इसे मैंने शेल्टर दिया था, इसे मैंने हेल्प की है ताकि ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, लेकिन ये देखो, ये तो आज भी लापरवाह की लापरवाह ही है। इस तरीके से जब वो जनक को बोलता है, सृष्टि भी बोलती है कि ये हमेशा ही अनिरुद्ध का अटेंशन पाना चाहती है। मिस्टर ब्रिजभूषण कहते हैं कि हमेशा ही ये लड़की जहाँ जाती है वहाँ पे मनहूसियत फैलाती है और फिर हमेशा ही हंगामा खड़ा करवा देती है। मतलब सभी लोग मिलकर झनक को बहुत ही ज्यादा बेइज्जत करने लगते हैं। तब झनक को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती और फिर वो कहती है कि बस, इनफ इज इनफ, कहा ना कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, अगर मैं देखकर नहीं चल रही थी तो आप देखकर क्यों नहीं चल रहे थे सर जी, आपको तो ध्यान रखना चाहिए था ना, आप बहुत ही ज्यादा केयरफुल हो तो आप ध्यान रख लेते, मैं भले ही लापरवाह हूँ। और रही बात मेरी मदद करने की, तो मैंने आपकी जितनी मदद की है ना, उतनी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस पर ब्रिजभूषण कहते हैं कि जजेस ने तो तुम पर दया कर कर इस शो में तुम्हें क्वालिफाई कर दिया, लेकिन जिंदगी में कैसे क्वालिफाई हो पाओगी, इस तरह की हरकत रही तो जिंदगी में कभी भी जीत नहीं पाओगी। इस पर गुरुजी रुद्र प्रताप कहते हैं कि हार और जीत तो बना ही रहता है, और जब एक हारता है तभी दूसरा जीतता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जानबूझकर हार जाते हैं। जब रुद्र प्रताप इस तरीके से बोलते हैं तो अर्शी और सृष्टि दोनों ही बहुत ही ज्यादा शौक होकर अनिरुद्ध की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर गुरुजी रुद्र प्रताप इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं कि जानबूझकर, क्योंकि अर्शी को भी कहीं ना कहीं ये शक है कि हो सकता है झनक ये शो जानबूझकर हारी है। और इस तरीके से जब गुरुजी रुद्र प्रताप बोलते हैं तो उसे और भी ज्यादा झटका लगता है। उसके बाद झनक अनिरुद्ध से कहती है कि मुझे ना तो आपका अटेंशन चाहिए, ना ही वैलिडेशन चाहिए, और समय तो आपका बिल्कुल भी नहीं चाहिए, समझे मिस्टर अनिरुद्ध बोस, याद है ना, आई हैव टर्नड यू डाउन मिलियन टाइम्स, एक नहीं कितनी बार आपको ठुकराया है मैंने, याद रखना ये चीज, समझे मिस्टर अनिरुद्ध बोस। इस तरीके से बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और सभी लोग अवाक होकर झनक को देखते रह जाते हैं कि जो झनक आज तक चूं भी नहीं करती थी, आज वो सबके सामने इस तरीके से अनिरुद्ध को सुनाकर चली गई है। तो दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही अच्छे अपडेट जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।